तो भाइयों, धर्ममाल की दिल्ली आके राजघाट पर दूना लगा देती है। सेठ ताराचंद रोजाना जमुना जी पर स्नान करना आग्रते। जब स्नान के लिए आए तो उनकी नजर धर्ममाल की वो पड़ी जो साधु के भेष में दूना लाए बैठी थी। उसकी सकल सूरत देखकर सेठ ताराचंद बहुत खुश होया और के कहने लग गया, भला ए तारा चंद की नजर पड़िया एक नई श्यान का योगी। उस साधु की श्यान देख के सीढ़ी काया होगी। तारा चंद की नजर पड़िया एक नई श्यान का योगी। उस साधु की श्यान देख के सीढ़ी काया होगी। तारा चंद की नजर पड़ा एक नई श्यान का योगी। उस साधु की श्यान देख के सीढ़ी काया होगी। गऊ ब्राह्मण साधु की सेवा कर के निया करे थे। चरणा व्रत बना पादो के अमृत कृपया करे थे। दुनिया में हुंडी चल थी जब जस लिया करे थे। कदे इसे इसे साधु घर बैठे न दर्शन दिया करे थे। इबे किसका खोट बताऊं सीख किसका खोट बताऊं सीख मने हरि राम की खोगी। उस साधु की शान देख के के इबटोटे में मारोगे। इबटोटे में हेरू बरमता गड़ फांसी गली में झूलता। श्याम सवेरी दोपहर में नशे में नहीं टूलता। हे ईश्वर तेरी भजन बंदगी ने हर गज नहीं भूलता। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया कोन्या भेद खुलता। मुद्दा पड़ पड़े तो हूं पेड़ मुद्दा पड़ पड़े तो हूं पेड़ गीत किस्मत पड़ के सोगी। उस साधु की शान देख के सीढ़ी काया होगी। तारा चंद की नजर पड़ा एक नई शान का योगी। उस साधु की शान देख के सीढ़ी काया।
ना भगत ओरे सामने सेऊ तन सबके कारज सारे नंदा नाई सदन कसाई बड़े बड़े पापी तारे एक धन्ना जाट संतों में मिल गए जटारी नाम पुकारे काकर बोदी मोती उपजे तू सबके करे गुजारे दासी सुत से नारद कर दिए दासी सुत से नारद कर दिए जो कई जन्म के रोगी उस साधु की ध्यान देख के शीली काया होगी तारा चंद की नजर पड़ा सिंगी सतगुरु जी के आगे लोटे दास चरण में जितने भाव गुरु चले गए छोड़ू नहीं परण में ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप नित्य सेवक रहूं शरण में बड़े बड़े दुख बतलाए प्रभु जनमत और मारण में साधु बनके कष्ट हरो साधु बनके कष्ट हरो मन विपत बहुत दिन भोगी उस साधु की ध्यान देख के